हेलो दोस्तों, मैं नेहा। मैं आकाश। मैं गुन्नू। जियो जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग से ये पलटन कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, सुबह से लगे हुए हैं पैकिंग करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं मेरे सिस्टर इन लॉ यानी शीतल दी के घर। शीतल दी यानी मेरे सिस्टर इन लॉ है ना। और हम उनके घर क्यों जा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, स्टिल हम अपने घर से बाहर निकल गए हैं। हम लोग इसलिए जा रहे हैं, हम बहुत पक चुके थे घर में और आज हम लोगों ने प्लान बनाया है कि वहीं पे नाइट स्टे करेंगे और थोड़ा खूब धमाल करेंगे वहाँ पे। हम लोग एक ट्रिप प्लान किया है ये कि घर के घर में हम लोग ट्रिप कर लेंगे लॉकडाउन में, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया और आज हम निकल गए। संडे को वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ पे मेरा फ्रेंड आ रहा है पीयूष, उसकी वाइफ दीदी जयदी होंगे और हम लोग होंगे। अब देखते हैं कि कैसा धमाल रहता है और आपको ये सब चीज़ें कैसे पसंद आती है, लेट्स सी। चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा रास्ता दिखा दूँ। Completely locked down. You can see all shops has closed. गुन्नू हमारे टूटू को लेके आई है। ये इस टूटू के बिना रह नहीं सकती, तो बुआ के घर भी जा रही है तो टूटू को लेके जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। हेलो। और ये मेरा फेवरेट टैडी होगा क्योंकि मैं हर जगह लेके जाती हूँ उसको, हर जगह। मैं अगर नानी के जाऊँगी फिर भी लेके जा सकती हूँ, और बुआ के जा रही हूँ फिर भी लेके जा रही हूँ। तो गुन्नू आप क्या करने जा रहे हो बुआ के घर? मैं सबसे मिलूंगी और सबके साथ खेलूंगी। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन है अब बताओगे? नहीं, अपने कजन्स के बारे में नहीं बताओगे दोस्तों को कि कौन कौन है वहाँ बुआ के घर पे? एक तो मेरी बुआ और एक मेरी और एक आंशी, वो मेरा बड़ा भाई है, और एक टेलू, वो मेरा छोटा भाई है। तो आप उनके घर जाके एंजॉय करने जा रहे हो? हाँ। टिल्लू,
फाइनली हम पहुंच गए हैं दीदी के घर। ये है शीतल दी, मेरी सिस्टर इन लॉ। ये है मेरी और जा। चलो तो हम लोग आ गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, और ये हमारे जिया जी हैं, और ये हमारी बहन जी है। हेलो। और चीज़ नेहा। लॉकडाउन में हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। लास्ट ईयर जैसा कि हम बताएं, हम लोगों ने इतने ट्रिप मारे हर टू मंथ्स बाद हम लोगों ने ट्रिप मारे, और जब से जनवरी स्टार्ट हुआ हमने एक भी ट्रिप नहीं किया। बोर हो गए अपन बहुत ज्यादा। अब अपन आज पार्टी करेंगे बहुत अच्छी वाली। ये भाई लॉकडाउन की आई थिंक 2021 की पहली पार्टी है। पहले हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी आई यूथ से। इट्स अ आउटिंग। हाउस वार्मिंग पार्टी नॉट एन आउटिंग। हनी हमारे लिए तो आउटिंग ही है ना। तो अभी अदर गेस्ट भी हैं जो इवनिंग तक 5 o'clock तक आई थिंक वो लोग यहाँ पर अराइव। हम लोगों को ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल। और फिर देखते हैं क्या क्या तैयारी कर रही है तूने। हमने देखो मैंने ना अभी के लिए तो मैंने इसने कुछ तो पाल जी ये क्या है पुदीना है ऐसा शाम को पकोड़ों के लिए पालक पकोड़ा है पालक अभी आलू की सब्जी भिंडी की सब्जी ये दाल इसका क्या बनाने वाली है ये शाम को मूड बनाएंगे अपन इसके स्प्राउट्स वाले अच्छे वाले और ये भिंडी ये तो आटा लगा रखा है अभी चपाती बनना बाकी है आलू की सब्जी बना दिए और रायता है जो फ्रिज में रखा है अच्छा और हेलो हम जिस पर्पज़ से आज दी के घर आए थे वो पर्पज़ ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जैसे ये हमारा फ्रेंड पीयूष, उसकी वाइफ आयुषी यहाँ आ गई, और ये छुटकू राम। ओए हेलो, हेलो, ये पीकू है, ये देखिए यहाँ पे, हेलो, यहाँ पे कुकिंग हो रही है। जैसा कि आकाश क्या बना रहे हो तुम? अब हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला। उसकी आपको रेसिपी भी साथ साथ बताते जाता हूँ कि अभी हम लोग जहाँ पे भी आउटिंग पर भी जाएंगे तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि कुछ एक दो दिन खाना खुद ही बनाए। इनफैक्ट जंगल में बैठ के आपको ग्रेवी की सब्जियाँ खिलाएंगे। तो अभी हम लेंगे करीब 2 प्याज डालेंगे ग्रेवी में, गैस कम करेंगे और लगभग 5-6 टमाटर मीडियम पनीर मटर मसाला की ग्रेवी बना रहे और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, ये बड़ी बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च और 2-3 लौंग, साबुत लौंग। लौंग तो शायद साबुत ही होती है। ये थोड़े से गार्लिक ऑयल डाल दिए, इससे भी हम बनाएंगे ग्रेवी। अभी इसको बॉईल होने देंगे। और इसमें गार्लिक डालेंगे।
अभी आप इसका है ना, हाँ हाँ जबरदस्त। अब इसमें अपन क्रीम डालेंगे। अमूल बटर साथ में पनीर डाल देंगे। शेफ अगर थोड़ा आप बताएंगे कि पनीर बटर मसाला आप स्पाइसी बना रहे हो या थोड़ा स्वीट में है? नहीं देखो, पनीर बटर मसाला है तो हल्की सी स्वीटनेस जरूर आएगी। अब ये टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। वाह क्या टेक्सचर आया। तो फाइनली हमारी सारी सब्जी बन गई है। और ये सॉरी आप लास्ट रील में नहीं देख पाए क्योंकि मैं शायद पूरी ये पहला ब्लॉग है अपना, लास्ट रील में आ ही नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ फोटो के दर्शन करा दूँ, आई मीन सब्जी के दर्शन करा दूँ। बिल्कुल एक्सट्रीम नामे वाली ग्रेवी है। अब आप लोग ये बात याद रखना कि यही इसी तरह की सब्जियां बनाएंगे अपन जंगलों में जाके, और यही हमारा प्लान। प्योर ऑथेंटिक आपको हर किसी ढाबे पे मिलने वाली नहीं है। 5-star की ग्रेवी जिसके अंदर ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, अमूल बटर अमूल क्रीम। पूरी रेसिपी नेक्स्ट टाइम से बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। रेसिपी हम ट्रैवल के अंदर एयरबीएनबी में कुकिंग कैसे करते हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो दिस टाइम वी स्टार्टेड, अब एयरबीएनबी कहां से आ गया पनीर बटर मसाला में। तो दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड देयर ओन होम, बट जहां पर भी हम जाएंगे नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वहां पे एयरबीएनबी के हम कॉटेज या रूम बुक करेंगे और हम सेल्फ कुकिंग भी करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं करते, ये एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ट्रिप होते हैं हमारे, जिसमें हम सिर्फ हमारा मेन एक्सपेंस होता है हमारा फ्यूल का, क्योंकि डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ता है और हम उस डिस्टेंस के अंदर ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसा होटल स्टे यू प्रेफर नहीं करते, वी प्रेफर एयर। और अब अपन है ना बिल्कुल बजट ट्रैवलिंग और साथ में एक अच्छी 5-star होटल दिखाने की भी कोशिश करेंगे। बट ना फाइनली ट्रैवलिंग के साथ ना व्लॉगिंग फैमिली और दोस्तों के साथ क्या मजा आता है। आपको उस डेस्टिनेशन का बेस्ट होटल भी कवर करेंगे क्योंकि हम एक दिन हर होटल हर सिटी के बेस्ट होटल में स्पेंड करेंगे, सो दैट आपको वहाँ का व्यू पॉकेट फ्रेंडली होटल्स की रेंज आप हम दे पाएं कि आपको किस होटल में क्या कॉस्ट पड़ेगी और अगली बार आपको एयरबीएनबी ही प्रेफर करेंगे। थैंक यू। तो फाइनली आज हम लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये सारे लॉकडाउन में अब इतना टाइम घर पे निकालने के बाद अब हम लोग वापस से प्लान करने लगे हैं कि कहाँ पर चलना है और टूर किधर का होना चाहिए, हमारे व्लॉग्स में आगे क्या क्या आएगा, ट्रैवलिंग किस तरह से करेंगे, तो उसी तरह की प्लानिंग चल रही है। सबसे पूछ लो कौन कौन क्या कहाँ कहाँ जाना चाहता है। अब शुरुआत करेंगे कौन साहब से, बताइए सर। कसौल रोड ट्रिप और बस और ट्रक और ट्रेन बाय कार बाय रोड आगे नेक्स्ट जिम कार पे वापस सलूना। अरे सलूना यार, मेरे को सलूना जाना है, वो बहुत अच्छा था यार। और आपकी क्या राय है सर? ये देखो हमें तो जाना है पहाड़ों पे, कहीं भी ले चलो पहाड़ होने चाहिए। आयुषी लद्दाख जाना है। ओ बाप रे लंबा जाएगी, लंबा जाएगी। और तुम्हारी नजर मुझे तो कश्मीर ले चलो। मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूँ भले उदयपुर ही जाना है लेकिन जाना बहुत जल्दी है और फटाफट से अब हम रोड टूर की एक जल्दी से एक ट्रिप लेकर आएंगे और आप लोगों का व्लॉग बनाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आपको बहुत सारी अच्छी जगह घुमाएंगे और इसी तरह से एक पूरी फैमिली के साथ एक नए चैनल की शुरुआत करते हुए जिसका नाम है हमारा जियो जिंदगी। फैमिली के साथ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट खाना, बाय।